नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट्री में आपका स्वागत है। आपको लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रेम सिंह जिंसा का असली सच क्या है। हम पिछले 4-5 सालों से पब्लिक सर्वे कर रहे हैं, पब्लिक के साथ लगातार जुड़ रहे हैं और आपको सीधी बातचीत दिखा रहे हैं। जानेंगे इनसे भी बातचीत करके इनका क्या कहना है डेरा सच्चा सौदा संस्था के लिए। नमस्कार मैम, आपका गुड नेम? मेरा नाम निशा है। कहाँ से आए हो आप? कहाँ से? हम गाजियाबाद से आए हैं। मैम, डेरा सच्चा सौदा संस्था को कितने समय से जानते हो? हम 2010 से। कितना विश्वास करते हो गुरुजी? हम बहुत ज्यादा, अपने से भी ज्यादा विश्वास। क्यों इतना विश्वास? क्यों आपके जिंदगी में ऐसा क्या बदलाव आया जो आज भी आप विश्वास करते हो? हमारे पापा पहले बहुत नशा करते थे, मतलब दारू पीते थे, फिर पापा ने जब से जुड़े हुए हैं तब से सब कुछ छोड़ दिया है, अच्छे से रहने लग गए हैं। अब आपकी लाइफ कैसी है मैम? बहुत अच्छी है हमारी लाइफ। कभी मतलब मैम आश्रम की बात करें, कभी आपको ऐसा लगा जैसा मीडिया में दिखाया जा रहा था लड़कियों को? नहीं, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सारा एडिटिंग था, सब नेताओं का करा हुआ है ये सब। जो आरोप लगाए जा रहे हैं संजी वो सब झूठ है। संजी का स्वभाव कैसा है, नेचर कैसा है? बहुत अच्छा स्वभाव है उनका। आप लोगों के साथ कैसा व्यवहार कैसे करते हैं? कैसे अच्छा करते हैं, अपने बच्चों की तरह करते हैं वो। 4 सालों से वो नहीं है समाज में, उनकी जरूरत है मैम समाज? बहुत जरूरत है। क्यों जरूरत है? अब उनके बिना है ही क्या, कुछ भी नहीं है। उन्होंने क्या किया है लोगों के लिए समाज? बहुत कुछ किया है, हमें बता नहीं सकते क्या क्या किया है। गरीबों के लिए क्या किया है? गरीबों के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, उन्हें घर दिए हैं बना के, उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं हुई है। अब क्या अपील करोगे आप सरकार से संत जी के लिए? यही अपील करेंगे कि गुरु जी को जल्दी वापस भेज दें। बहुत बहुत धन्यवाद, जल्द से जल्द संत जी समाज में वापस आए। ये लगातार पब्लिक डिमांड कर रही है, जो पब्लिक सर्वे के दौरान हम आपको पब्लिक के साथ सीधी बातचीत दिखाते हैं। आप भी देखते रहिए ऐसी सच्ची बातें फैक्ट्स के साथ, द फैक्ट टाइम में। बहुत बहुत धन्यवाद।